हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तन्वी पाहुजा वेलकमिंग यू ऑल टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विसेज। इन लास्ट चैप्टर वी हैव डेल्ट विद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हमने देखा कैसे पोर्चुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, और कैसे लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया वॉज फ्रेंच। अब क्योंकि 1600 में ऑलरेडी इंग्लिश एंटर कर चुके होते हैं इंडिया में, उसके बाद फ्रेंच आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में स्ट्रगल होना नेचुरल है, क्योंकि दोनों ही अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को या ट्रेड एस्पिरेशंस को इंडिया में डेवलप करना चाहते थे, अपने रूल को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। क्या रीजंस थे जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुई, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बट लेट अस रिवाइज इट। ड्यू टू पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, देयर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, देयर ट्रेडिशनल राइवलरीज, कहाँ थी ट्रेडिशनल राइवलरीज, यूरोप में चल रही थी। वी विल डील डीपली विद दिस। एंड अनसर्टन और अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ इंडिया, क्योंकि यूरोपियंस ने एंट्री साउथ इंडिया में ली थी, तो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम बहुत अनस्टेबल थी। एक ये रीज़न होता है लड़ाई का। तो हम देखेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, मतलब फर्स्ट वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश मैन, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1746 to 48। ये पहला वॉर होता है दोनों के बीच में। इसका रीज़न रहता है यूरोप का वॉर। यूरोप में एक ऑस्ट्रियन वॉर चल रहा है। ऑस्ट्रिया एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जिसके सक्सेशन को लेकर इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई चल रही है। वहाँ पर लड़ाई चल रही है तो नेचुरल है दो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, क्योंकि इंडिया में भी उस समय है, तो उनके बीच में इंडिया में भी लड़ाई होना नेचुरल है। लेकिन इसको इमीडिएट कॉज क्या था हम देखते हैं। इंग्लिश की एक नेवी थी अंडर बार्नेट, मतलब नेवी जिसके लीडर थे बार्नेट, उन्होंने क्या करा, सीज करा सम फ्रेंच शिप्स को, कंट्रोल कर लिया। ओके, कुछ फ्रेंच शिप्स को कंट्रोल किया, इससे प्रवोक हुए फ्रेंच। फ्रेंच के गवर्नर या पौंडीचेरी के गवर्नर थे उस टाइम पर लॉर्ड ड्यूप्लेक्स, जिनकी पॉलिसी थी इंपीरियलिज्म की। ही वॉन्ट्स टू बी एन इंपीरियल लीडर ऑफ इंडिया। बहुत ही एम्बिशियस मैन थे वो, बहुत ही एंग्री यंग मैन टाइप के बंदे थे लॉर्ड ड्यूप्लेक्स। इन्होंने रिटेलिएट किया, जवाब दिया इंग्लिश को बाय कैप्चरिंग या बाय सीजिंग मद्रास इन 1746। मद्रास को इनने कैप्चर कर लिया। मद्रास क्यों इम्पोर्टेंट था, मद्रास को कैप्चर करने की वजह से इंग्लिश को क्या इफेक्ट पड़ा। मद्रास में एक पोर्ट था जो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी ब्रिटिशर्स के लिए। इसके अलावा नवाब ऑफ कार्नेटिक जो थे वो क्लेम करते थे कि मद्रास तो मेरा है, तो आपने कैसे कैप्चर कर लिया। तो यहाँ से क्या है, वॉर स्टार्ट हुआ। अब हम कोर्स ऑफ वॉर देखते हैं कि वॉर होने के बाद रिजल्ट क्या आया। वॉर होने के बाद एक ट्रीटी साइन हुई कि वॉर खत्म करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं हम। ट्रीटी क्या साइन करी इनने, एक्स ए लाश नाम की ट्रीटी साइन करी, जिसके हिसाब से मद्रास वॉज गिवन बैक टू इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी मद्रास वॉज गिवन बैक टू इंग्लिश एंड फ्रेंच गॉट सम टेरिटरीज इन नॉर्थ। फ्रेंच को क्या, कुछ टेरिटरीज दे दी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का एक सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस रहता है, लेट्स सी। बैटल ऑफ सेंट थॉम। बैटल ऑफ सेंट थॉम क्या होता है, फ्रेंच फोर्सेस और अनवरुद्दीन के बीच में बैटल होता है। क्यों होता है, इन रिटेलिएशन ऑफ मद्रास कैप्चरिंग। ओके, जो मद्रास कैप्चर किया था वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए अनवरुद्दीन, और वो फोर्सेस लेकर जाते हैं अगेंस्ट फ्रेंच आर्मी। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस वॉर से, इस बैटल से हमें बहुत अच्छे से ये समझ आ जाता है कि एक छोटी सी यूरोपियन आर्मी एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आर्मी को कितना ईजीली हरा सकती है। अब जो ट्रीटी साइन हुई थी एला शेपल इन फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ये सिर्फ एक साल की ही शांति रख पाई। कितना, 1749 से 54 के बीच में
सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होता है। जस्ट एक साल उस ट्रीटी को हुए थे और हमें एक और वॉर नजर आता है, वो है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। क्यों होता है ये वॉर? क्योंकि जो ड्यूप्लेक्स गवर्नर ऑफ फ्रेंच, ही स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन लोकल डिस्प्यूट्स। उन्होंने अपनी पॉलिसी बना ली थी कि अब लोकल जो डायनेस्टीज हैं इनकी लड़ाइयों में घुसते हैं, इनके मैटर सॉल्व कराते हैं और इससे अपने रूल को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस थी उस टाइम साउथ इंडिया की, क्या वीकनेस थी जो फ्रेंच ने उसका फायदा उठाया। सबसे पहले हैदराबाद, स्टेट ऑफ हैदराबाद देखते हैं हम। निजामुल मुल्क जो वहाँ के नवाब थे उस टाइम पर, उनकी डेथ हो जाती है, जिसको सक्सीड करते हैं नासिर जंग, उनके बेटे, सन ऑफ निजाम, लेकिन इसका अपोज करते हैं ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग। तो ऐसे अनस्टेबिलिटी आती है हैदराबाद में। वहीं दूसरी तरफ कार्नेटिक, कार्नेटिक मतलब कोरोमंडल कोस्ट जो है, ठीक है, कर्नाटका वाला एरिया। कार्नेटिक में क्या होता है, अनवरुद्दीन अपॉइंटेड एस नवाब, अनवरुद्दीन को नवाब बना देते हैं। दैट इज रिसेंटेड बाय या क्लेम्ड बाय चंदा साहेब। चंदा साहेब क्लेम करते हैं अपनी नवाबशिप वहां पर कार्नेटिक में। अब इसका फायदा उठाती है फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रेंच क्या करते हैं, फ्रेंच जो है सपोर्टेड चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग। किसका सपोर्ट करते हैं? चंदा साहेब का, मुजफ्फर जंग का। और जैसे कि उनने सपोर्ट किया तो दूसरे साइड का कौन सपोर्ट करेगा? नेचुरल है, इंग्लिशमैन। नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सपोर्ट करते हैं। फ्रेंच आर्मी एक कॉन्स्पिरेंसी करती है मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साथ, और किसको मार देती है? कार्नेटिक के नवाब अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है इन बैटल ऑफ आमगूर। कब हुई थी जो? 1749 में बैटल ऑफ बामगूर में कार्नेटिक के नवाब को मार दिया जाता है। अब कार्नेटिक का नवाब बन जाता है चंदा साहिब, जिसका फेवर कौन करते थे? फ्रेंच। वहीं दूसरे हाथ पे मुजफ्फर जंग जो है वो क्लेम करते हैं अपनी नवाबशिप ऑफ हैदराबाद, और फ्रेंच के सपोर्ट से वो नवाब ऑफ हैदराबाद बन जाते हैं। क्योंकि सब कुछ फ्रेंच के फेवर में जा रहा था तो इंग्लिश चुप तो रहने वाले थे नहीं, उन्होंने रिटेलिटेट किया। बहुत एक कॉन्स्पिरेंसी रची, ठीक है, अपनी एक पॉलिसी से लड़ाई करी। कैसे? रॉबर्ट क्लाइव जो थे गवर्नर ऑफ इंग्लिश एट दैट टाइम, उन्होंने आरकोट पे अटैक किया, सडन अटैक किया एकदम से, कैपिटल ऑफ कर्नाटक दैट इज आरकोट पे। कैसे कर पाए वो इस काम को? क्योंकि चंदा साहिब का इस समय ध्यान था मोहम्मद अली पे, जो अनवरुद्दीन के बेटे थे, और वो कहाँ स्टेशन थे? त्रिचोनोपोली पे। तो चंदा साहिब का ध्यान इन पर था। इस पर रॉबर्ट क्लाइव ने एक सडन अटैक किया। जब तक चंदा साहिब अपनी आर्मी को लेकर आरकोट पहुँचते, उन्होंने उनका ध्यान भटका के त्रिचोनोपोली को वापस रिलीव कर लिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने त्रिचोनोपोली को अपने साइड कर लिया, और साथ ही साथ आरकोट पर अटैक करके आरकोट मतलब कार्नेटिक को भी हासिल कर लिया, ठीक है। तो अब इस लड़ाई का जो रिजल्ट हुआ, जो ड्यूप्लेक्स ने अपनी जो पॉलिसी बनाई थी कि हम इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसका उल्टा रिजल्ट दिखाई दिया फ्रेंच पर। दे हैड हैवी फिनेंशियल लॉस, उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल सेटबैक फेस करना पड़ा इस टाइम पर। फ्रेंच गवर्नमेंट क्या करती है इस समय पर? ड्यूप्लेक्स को बोलती है आप वापस आ जाइए, आप सिर्फ लड़ रहे हैं वहाँ, वो गोदेहू को भेजती है, अगला गवर्नर बनाती है इनको, और इनसे बोलती है आप जाके वॉर को थोड़ा सा सेटल करिए, हम फाइनेंशियल लॉस झेल रहे हैं, हम इतना नहीं लड़ पाएंगे, आप जाइए और पीस सेटलमेंट करिए, ताकि हम इंडिया में अपनी एम्बिशियस को एस्टैब्लिश कर पाएं, ओके? तो एक नेगोशिएशन होता है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में थ्रू द ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी इन 1755, ओके? तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट वॉर में भी हमने देखा ट्रीटी हुई, फिर लेकिन वॉर हो गया, अब इसमें भी ट्रीटी हुई।
क्योंकि ये एक डिसिसिव ट्रीटी नहीं थी, तो फिर से वॉर होना भी बहुत नेचुरल था। अब सिर्फ 4 साल की शांति होती है, 54 में सेकेंड कार्नेटिक वॉर ख़त्म हुआ था, 58 में थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होता है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सेवन ईयर वॉर्स, मतलब वही ट्रेडिशनल राइवलरी जो यूरोप में चल रही होती है। सेवन ईयर वॉर क्या होता है? अमेरिका में एक वॉर चलता है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, अमेरिका भी एक कॉलोनी होती है ब्रिटिश की, तो यूरोप में ये 7 ईयर वॉर चल रहा होता है। वही उसका इफेक्ट इंडिया में देखने को मिला। कैसे? 1758 में एक फ्रेंच आर्मी रहती है अंडर काउंट डी लेली, ये क्या करती है, इंग्लिश के फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लेती है। वापस इंग्लिश चुप रहने वाले तो थे ही नहीं, इनके बीच में एक बैटल होता है वेंडीवॉश में, जिसको जीत लेते हैं इंग्लिश। बहुत ही डिसिसिव बैटल है। अब फाइनली फ्रेंच को हटा दिया, जड़ों से रूट्स से हटा दिया फ्रेंच को किसने, इंग्लिश ने। इट प्रूव्ड टू बी अ डिसिसिव वॉर। ओके, अब जिस तरीके से पोर्चुगीज डच को हटाया था, फ्रेंच को भी अपने रास्ते से इंग्लिश हटा देती है। दे ओनली रिमेन्ड टू पॉन्डिचेरी नाउ। दे वर नॉट अलाउड फॉर फोर्टिफिकेशन, फॉर फर्दर फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो अब इस जब 7 ईयर वॉर यूरोप में ख़त्म होता है, तो एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। इसके हिसाब से इंग्लिश सुप्रीम हो जाते हैं इंडिया में। ट्रीटी कब होती है? 1763 में। और थर्ड कार्नेटिक वॉर भी एक डिसिसिव कॉर बिटवीन सुप्रीमेसी ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश एंडेड, और फाइनली डिसाइड होता है कि इंग्लिश अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर चुके हैं इंडिया में। तीनों वॉर्स हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लिए हैं। इससे हमें ये समझ में आता है इंग्लिश ने सारे यूरोपियन कंट्रीज को ओवरथ्रू करके अपने रूल को कैसे होल्ड बनाया, इंडिया में एस्टैब्लिश किया। पर क्या रीजंस हैं? इंग्लिश ही क्यों, कोई दूसरी यूरोपियन कंट्री क्यों नहीं अपने रूल को एस्टैब्लिश कर पाई, या क्यों स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रख पाई इंडिया पे? तो उसके कई रीजंस हैं, उनसे हम डील करेंगे। सबसे पहला है सुपीरियर नेवी। क्यों? 18th सेंचुरी में इंग्लैंड जो रहता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है वहाँ, जिसकी वजह से साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है, कई पावर लूम्स मशीन्स इन चीज़ों की डेवलपमेंट होती है वहाँ। उसकी वजह से वो अपनी नेवी को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं। पहले ही हमने देखा है कि जो इंडियन ओशियन को रूल करेगा वही इंडिया को रूल करेगा, उसके लिए अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जो इंग्लिश बहुत अच्छे से या ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से कर चुके होते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। अब जो ट्रेडिंग कंपनी रहती है फ्रेंच की, इट वॉज फुली गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच, पूरा गवर्नमेंट चलाती थी उसको। वही दूसरी जगह जो इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वॉज स्टार्टेड बाय अ चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, लेकिन उसमें कुछ प्राइवेट अथॉरिटीज थी, जो डायरेक्टर्स थे, सेक्रेटेरिएट्स थे, वो प्राइवेट अथॉरिटी थी। उनके जो डिसीजंस थे वो सिर्फ एक लेटर लिखते थे, वहाँ पोस्ट करते थे और बोल दिया भैया कि वॉर होना है। लेकिन फ्रेंच अथॉरिटी जब तक वॉर नहीं कर सकती जब तक उसकी गवर्नमेंट उसको इजाज़त ना दे, एक ये रीजन था। मिलिट्री स्किल एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश वर फार मोर बेटर देन अदर यूरोपियन कंट्रीज इन मिलिट्री स्किल्स एंड डिसिप्लिन। ओके, सुपीरियर कमांडर्स इन ब्रिटिश कैंप। ब्रिटिश के जो कमांडर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, जैसे आयरे कोट, लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए आप, उन्होंने तीनों कार्नेटिक वॉर को कितनी अच्छी तरीके से जिताया है। तो ये सुपीरियर कमांडर्स थे। ऑन द अदर हैंड, ड्यूप्ले वॉज द ओनली सुपीरियर कमांडर ऑन फ्रेंच साइड। ओके, और ऐसा कोई भी हमें दूसरा स्ट्रॉन्ग कमांडर दूसरे यूरोपियन कंट्री में नजर नहीं आया। तो एक ये रीजन था। अब इंग्लिश हैव कंट्रोल ओवर कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे बाय द एंड ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर इन 63। बैटल ऑफ प्लासे हो चुका था 57 में।
तो प्लासे को कैप्चर कर चुके थे। अब इंग्लिश के पास एक रिसोर्स, बहुत अच्छा रिसोर्स इंडिया के अंदर से ही आने लग गया था, क्योंकि वो प्लासे का वॉर जीत चुके थे, जो एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब सुप्रीमेसी इंडिया की इंडिया में होने लग गई थी ब्रिटिशर्स की। अब उनका कंट्रोल हो गया था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे इंडिया के। वहीं फ्रेंच के पास सिर्फ एक पौंडीचेरी था, जो काफ़ी नहीं था इंग्लिश को हराने के लिए। तो ये कुछ कॉजेस थे जो इंग्लिश की सक्सेस को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि ब्रिटिशर्स बाकी यूरोपियन कंट्रीज को कैसे ओवरथ्रो कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे किस तरीके से उन्होंने मैसूर, सिख, बंगाल किस तरीके से उन्होंने कैप्चर किया, अपने रूल को एक्सपांड और कंसोलिडेट कैसे किया इंडिया में। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी गलती मेरी वीडियोस में, कुछ भी कमी नज़र आती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट। ओके, बिल्कुल स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।